गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरा खाना बन चुका है। खाने में मैंने बनाया है रोटी और आलू बैंगन की सब्जी। और इसके पापा नाश्ता करके जा चुके हैं। और उसके बाद मैंने गैस को साफ़ कर लिया है, बर्तन धुल लिया है। मैं एक बार चाय पी चुकी हूँ, दोबारा फिर मैं चाय लेके बैठी हूँ। देखिए अब जा रही हूँ पीने, सोचे कि थोड़ी देर आप लोग से बात कर सकूं। तो पता नहीं क्यों दो तीन बार से मुझे जब भी डायलिसिस करा रहा है ना, तो हेडेक होने लग रहा है और वॉमिटिंग करने लग रहा है। लाइक मुझे कल रात में 12-1 बजे तक था सर, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन दवा खाए थे, आज थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा सही है। क्योंकि कल परसों मुझे फिर डायलिसिस के लिए जाना है, तो 2 दिन मेरा डायलिसिस में चला जाता है। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाती। देखिए पानी अभी को आया, जब तक बर्तन धुल रहे थे तब तक पानी नहीं आया था। अभी तनुज गई है नीचे बोलने, वो है भाभी उनसे बोलने के लिए, तो वो लोग मोटर ऑन किए हैं। इतना यहाँ पानी का प्रॉब्लम है ना कि क्या बताऊँ। और टैप को आप लोग को दिखाया था ना, टैप ख़राब है कई दिन से, तो टैप भी इन लोग के पास टाइम नहीं है कि टैप भी बनवा दे। पूरे घर में मेरे अच्छा खासा पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमेशा मुझे क्लीन करना पड़ता है। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। और आप लोग, एक चीज़ के लिए थैंक्स बोलना था कि आप लोग मेरे वीडियो पे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इसके लिए मैं दिल से आप लोग को थैंक्स बोल रही हूँ। आप लोग हमेशा ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। तो गाइज मैं यहाँ पे अभी नहा चुकी हूँ। नहा के मैंने जो कपड़े हाथ से धुलने होते हैं उन कपड़ों को भी मैं धुल ली हूँ, और धुल के मैं डालने जा रही हूँ। और अभी मेरा सारा काम भी लगभग हो चुका है। घर को जो क्लीन करना था क्लीनिंग भी हो चुकी है, बर्तन वगैरह भी मतलब साफ़ सुफ हो चुका है। और पिछले वीडियो में आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि मैंने अपने कोर्ट वाले मैटर को आपके सामने मतलब बताया, और उसमें ये भी बताया था कि मैं 10 साल तक अपने बेटे का केयर मैंने खुद किया। मैं जॉब करती थी, तो जॉब मैं क्या करती थी मैं आप लोग को बता दूं कि मैं खुद एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैंने GNM का मतलब कोर्स किया 3.5 साल का। मैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स किया है मैंने। और मैं एक NICU की स्टाफ हूँ, मतलब NICU में जो बच्चे न्यू बर्न बेबी आते हैं ना, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जो लोग मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर, वो इसका मतलब समझते होंगे। और जो लोग नहीं समझते हैं तो उनको भी मैं बता दूं कि जो बच्चे मतलब लो बर्थ बेबी होता है, जो कम वजन के बच्चे पैदा हो जाते हैं, या डिलीवरी के टाइम जो बच्चे गंदा पानी वगैरह पी लेते हैं, या जिनका मतलब सीजर किसी कॉम्प्लिकेशन के थ्रू जिन बच्चों को डिलीवरी कराया जाता है, उन बच्चों को NICU की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब उनको शीशे में रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस मैं उसी की स्टाफ रह चुकी हूँ, और मैं वहाँ की सीनियर स्टाफ रह चुकी हूँ। मैंने 10 साल NICU में ड्यूटी किया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती कही है कि मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि आजकल आप लोग पता है कि कहीं ना कहीं किसी भी मतलब नर्सिंग लाइन में या किसी भी लाइन में मतलब कोई भी वर्क हो, हर लाइन में आपको सोर्स और डोनेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मैटर करता है, डोनेशन तो इंसान दे भी दे, लेकिन डोनेशन दे किसको, सोर्स होना चाहिए। अगर पैसे दे भी तो कई बार पैसे लोगों के डूब जाते हैं। तो बस यही मेरे साथ भी मैटर रहा कि मैं NICU में मैंने 10 साल तक ड्यूटी किया। मैं यहाँ से जब घर पे गई तो मैंने ट्रेनिंग किया 3.5 साल का। हाँ, मैं मतलब 3.5 साल का ट्रेनिंग की, और उसके बाद मैं एक NICU में ड्यूटी की कम से कम 6-7 साल। उसके बाद मैंने दूसरे NICU में ड्यूटी किया। मैंने बहुत सारे अपने जूनियर जो भी सिस्टर्स थी उनको मैंने खुद ट्रेन किया हुआ है बहुत सारे। 2-3 हॉस्पिटल में मैंने जॉब किया, वहाँ पर मैं NICU की मतलब मेन स्टाफ में रह चुकी हूँ। लेकिन बदकिस्मती कही है कि मेरा जॉब नहीं हुआ। गवर्नमेंटेड में मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, गवर्नमेंट जॉब करूं। हाँ, सैलरी तो ठीक ठाक था, मतलब था जिसमें मेरा मेडिसिन चल जाता था और मेरे बच्चे का फीस वगैरह अरेंज हो जाता था। बाकी जो कम पड़ता था वो मेरी मम्मी अरेंज करती थी, मेरे भाई लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन हाँ, ससुराल से मुझे 1 भी रुपए का सपोर्ट नहीं मिलता था वहाँ पे। मेरे हस्बैंड क्या दिमाग है इनका मुझे नहीं पता। मतलब पहले ये बिल्कुल लोगों की बातों में मोटिवेट होके मेरे पास, मतलब लोग जैसा बोलते थे इनके घर के लोग वैसा ही वो सुन के वैसा ही मेरे साथ करते थे। मायके में पैसा नहीं दिया जाता है, मायके में कोई सपोर्ट नहीं किया जाता है, मायके में पैसा देने से बीवी बिगड़ जाती हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि यहाँ का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब था। मैं आपसे क्या बताऊँ क्या क्या मैंने इस घर में झेला हुआ है 10 साल पहले।
लेकिन भगवान के दया से कहते हैं ना कि हर इंसान का टाइम आता है, और हर इंसान अगर बुरे दौर से गुजरता है तो कभी ना कभी लाइफ में उसको अच्छे दौर भी मिलते हैं। तो शायद भगवान ने मेरे साथ शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी मुझे ये डर है कि मैं केस को सॉल्व करूं तो कहीं ये लोग फिर से मेरे साथ मतलब पुराना व्यवहार स्टार्ट ना कर दे। अभी तो यहाँ पे बाकी फैमिली नहीं रह रही, अभी तो केवल यही रह रहा है मेरे साथ यहाँ पे, लेकिन पहले यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली रहती थी, इनकी मदर रहती थी, इनके भाई रहते थे, इनकी मतलब भाई की वाइफ, बच्चे, सब लोग यहाँ पे रहते थे। मैंने बहुत कुछ इस घर में झेला हुआ है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मतलब सही है माहौल। इस घर में मुझे किसी से प्यार नहीं मिला, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत मेरे ससुर जी थे, वो मुझे समझते थे, वो मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को समझते थे, तो कभी कभी वो मेरे लिए लड़ जाते थे, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो बस यही था मेरा, और आगे भी जो कुछ भी मेरे साथ बीता मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हाय, सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, और अब अभी को जाके मुझे फुर्सत मिला, देखिए 2:30 बज रहा है। आज थोड़ा सा लेट हो गया काम करने में, क्योंकि बस लेट हो गया, आज मेरा थोड़ा सा आलस लग रहा था काम करने में। इनके जाने के बाद मैं 1-2 घंटे बैठ के थोड़ा सा मम्मी उम्मी से बात करने लगी थी फ़ोन पे, तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा काम लेट हो गया, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, और किचन साफ़ करके बर्तन धुल के उसके बाद फिर मैं बैठ के आराम से मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी। 2-3 दोस्तों का फ़ोन आ गया तो उनसे भी मैं बात करने लगी थी, इस वजह से मेरा आज थोड़ा सा काम लेट हुआ है। अभी को 2:30 बजे मुझे फुर्सत मिला है, कपड़ा भी धुल चुका, घर भी क्लीन हो चुका, सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो चाय पीने का मन हो रहा है, लेकिन चाय बनाएंगे तो पिएगा, नहीं तो फिर इग्नोर कर देंगे, अब शाम को ही चाय पियेंगे। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।